कुछ बड़े संतों का, मनीषियों का ये मानना था, ये कहना था कि इस जगत की उत्पत्ति ओम से हुई है और इसीलिए ओम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे साथ सब विशिष्ट अतिथि यहाँ मौजूद हैं जिनका समाज में कुछ ना कुछ योगदान है, सब अपने स्तर पे दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और अनुपम जी ने जो ये लिखी है बुक अध्यात्म के ऊपर, तो आज हमारा जो है कि उनकी रचना को किस तरीके से आपको पहुंचाएं, आपको बताएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहूंगा अनुपम जी दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं आप सब लोगों का एक छोटा सा मतलब संक्षिप्त में परिचय अतिथियों के साथ कराना चाहता हूँ। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, रुड़की में महाराष्ट्री का आश्रम है और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं महाराज जी। परम प्रज्ञ प्रोफेसर पी के आर्या साहब, महाराष्ट्री मसूरी में रहते हैं, मसूरी में आश्रम है महाराष्ट्री का और समाज को मतलब जो कहते हैं कि शोध, हमारे जो इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उसमें से जो गूढ़ चीजें हैं उनको कैसे सरल करके आप मतलब हर व्यक्ति उसको समझ पाए, महाराष्ट्री वो काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्री यहीं नहीं, विदेशों में भी मतलब अपनी मतलब जो ऊर्जा है, जो प्रज्ञा है, उसको विदेशों तक में पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्री ने अभी स्विट्जरलैंड में अपना आश्रम का इनॉग्रेशन किया था, उससे पहले मॉरिशस में किया था। तो महाराष्ट्री मतलब पूरी तरीके से समर्पित हैं कि समाज को एक नई दिशा दी जाए। आशीष भैया, डॉक्टर आशीष गौतम भैया से मेरी मुलाकात तकरीबन 20-25 साल पहले हुई थी। भैया उन लोगों की सेवा करते हैं जिनको समाज डिस्कार्ड कर देता है। चंडी घाट हरिद्वार पे एक छोटा सा स्थान था जहां पे साधना भी करते थे। भैया का सेवा, साधना और संबोधि भैया का ऐसा मानना है। तो मैंने भैया को सेवा करते हुए देखा, अब साधना करते हुए भी देख रहा हूं। अरविंद गुरुजी मुंबई से हैं, ये इनसे भी मेरा परिचय कोई 20-25 साल पुराना है। और कहते हैं ना कि कोई किसी के पास बचपन से ही अध्यात्म का वो होता है, तो मैंने इनको उस समय से देखा है। ये भी बहुत सेवा भाव रखते हैं और बहुत सारे उपक्रम जो है चलाते हैं समाज के लिए, समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। राहुल जी, राहुल देव बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं। और पिछले
कुछ दिनों से भैया का एक मतलब मैं तो खैर हमेशा ही अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ भैया को, लेकिन पिछले कुछ समय से जो भैया जिस तरीके से चिंतन और उसमें लगे हुए हैं, तो लगता है कि कुछ और कुछ बहुत कुछ अभी सीखने को बाकी है। तो अनुपम जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार सभी अतिथियों का स्वागत करें। हाँ, ले आइए। पंत साहब का मैं परिचय कराना भूल गया। पंत साहब, प्रदीप पंत साहब जो है हिमालयन मॉन्ग के फाउंडर हैं, हिमालयन मॉन्ग फाउंडेशन के। और क्योंकि पहाड़ों से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, सारे युवा जो है वहाँ से शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो पंत साहब वहाँ पे तरह तरह के कार्य करके तरह तरह के रोजगार के अवसर दे रहे हैं वहाँ पे युवाओं को, ताकि वो कम से कम अपनी मिट्टी को छोड़ करके ना जाए। मैं विनती करूंगा सभी अतिथियों से पुस्तक का जो है लोकार्पण एक बार अपने हाथों से करें। इतने सारे ग्रंथ हैं हम लोगों के, चार वेद हैं, चार उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। इतना अध्यात्म के बारे में ऑलरेडी इतना सब कुछ मौजूद है, तो फिर क्यों जरूरत आन पड़ी एक और इस बुक को लिखने की? तो अनुपम जी से चर्चा हो रही थी, असल में ना अध्यात्म का विषय इतना गूढ़ बना दिया गया है कि समझ नहीं, मतलब आम आदमी को तो समझ में नहीं आता कि रास्ता कौन सा सही है। अनुपम जी से चर्चा हुई थी तो पता लगा कि तकरीबन 12,000 युवा हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, जो IAS नहीं बन पाते, जो डॉक्टर नहीं बन पाते, जो इंजीनियर नहीं बन पाते, या अपना इच्छित कोई भी उसको पूरा नहीं कर पाते, वो किसी से कम नहीं है, बस जरा सा एक नीचे रह गए। वो उतने इंटेलिजेंट है लेकिन वो उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा समाज के अंदर, केवल यही नहीं, युवाओं में भी नहीं। अभी मैं पिछले NCERB का एक डाटा देख रहा था तो पता लगा कि पिछले साल, पिछले से पिछले साल तकरीबन 1,60,000 युवाओं ने, जो 35 से 45 साल के थे, उन्होंने आत्महत्या की है। कुछ तो लॉकडाउन की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो आप सबके सामने हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा हुआ है, जो वो किसी से छुपा नहीं है, वो सबके सामने है। तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक विरासत है हम लोगों की, भारतीयों की, और उसके बाद मतलब हम लोग कोई दिशा नहीं प्रदान कर पा रहे, या मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये अनुपम जी ने इससे पहले भी एक बुक लिखी थी, व्हाई डू यंग पीपल रन अवे फ्रॉम रिलीजन, उसकी चर्चा अनुपम जी खुद ही करेंगे। तो अभी उन्होंने ये दूसरी के बुक लिखी है, हिंदुइज्म द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब आसान शब्दों में अनुपम जी ने आपकी आत्म खोज को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी जो बुक होती है या कोई भी जो लिखता है,
वो निर्जीव नहीं होती, क्योंकि उसने एक स्थिति परिस्थिति में जाके, एक मानसिक स्थिति में जाकर के लिखने वाले ने अपने प्राण द्वारा उन शब्दों को प्रतिष्ठित किया है पन्नों पे, एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये जितनी भी किताबें हैं ये सब जीवित होती हैं। उसका पता कैसे चलता है कि जब पढ़ने के बाद आप उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं और जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं तो वो जीवित हो उठती है। मैं ज़्यादा समय और नहीं लूँगा इस विषय में। मैं परम पूज्य स्वामी, हमारे मुख्य अतिथि स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी से प्रार्थना करूँगा कि आकर के कुछ अध्यात्म पे और कुछ। आज श्री अनुपम श्रीवास्तव जी की एक धरोहर का लोकार्पण है। वास्तव में कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से कुछ ऐसा कहते हैं कि 42 लाख तो केवल जल में रहने वाले जीव जंतुओं के और 42 लाख ये नभ और थल में रहने वाले, लेकिन मनुष्य ये 84 लाख से अलग है। ये योनि नहीं है, ये देह है। इसको देह कहा गया है और शायद इसलिए भी कहा गया होगा क्योंकि शास्त्र प्रमाण होते हैं, शास्त्रों की बात से ही कि मनुष्य देह जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कुदरत कहते हैं, या जो भी शक्ति है उसका कुछ भी नाम आप ले लीजिए, प्रकृति उसके द्वारा ये प्रदत्त है। कभों की करी करुणा नर देही, दे तु ईश बिन भेतु स्नेही। और मनुष्य देही एक ऐसा है कि जिसमें हम यह चिंतन कर सकते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि अध्यात्म जो प्रारंभ होता है वो इसी प्रश्न से प्रारंभ होता है, को अहम, मैं कौन हूं, वो मैं तत्व क्या है। सृष्टि की जो हमारी सनातन परिकल्पना है उसमें कहा गया कि नारायण की नाभि से कमल निकला। नारायण शब्द की उत्पत्ति नार से है, जल से है, और सृष्टि में चैतन्यता तब आती है जब जल हो। अगर जल तत्व तो नहीं है तो सृष्टि में चैतन्यता तो होगी लेकिन जड़ अवस्था में होगी, जिससे ये सब कुछ है। वही परम तत्व है, वही परमात्मा। परमात्मा का यथार्थ तो स्वरूप प्रकाश है जो जीवन का परम पथ है, और जिस पथ की खोज मन को नहीं, आत्मा को जिस पथ की खोज है, और उस बिंदु तक हमें निश्चित पहुंचाने में यह सहायक होगी। और मैं समझता हूं कि ऐसी पुस्तकें आती रहना चाहिए, ऐसे प्रयास चलते रहना चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपके अंदर है, कोई आपको दे नहीं सकता। गुरु भी केवल बता सकता है, दिखा सकता है, चलना आपको पड़ेगा। आप जब चलोगे तभी उस तत्व को प्राप्त कर सकोगे, और उसी के लिए वास्तव में ये जीवन है। और जो जीवन की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं वही योगी बन जाते हैं। ईश्वर करे आप भी उस मार्ग की ओर चलें और आपके जीवन में भी वह परम प्रकाश। बाकी जितनी मंदिरों में मूर्तियां घड़ी पड़ी हैं
इनमें से कोई भगवान नहीं है, लेकिन सब भगवान है, क्योंकि कण कण में परमात्मा है, मूर्तियों से बाहर भी है। ये मूर्तियां केवल भाव रूप हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी। ये सब भाव रूप हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो वह प्रकाश है, और प्रकाश के साथ शब्द होता है, शब्द रूप में ओंकार है, यही वह आध्यात्म का परम बिंदु है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, चूंकि यहाँ बड़े गहरे लोग बैठे हैं, सभी को अपनी शुभकामना अर्पित करता हूँ। आपका जीवन सुखद हो, सफल। अब मैं परम पूज्य परम प्रज्ञ प्रोफेसर पी के आर्यम साहब को आमंत्रित करता हूँ। ओम चित्रम देवानाम उद्गाधेनीकम चक्षुर्मित्रहस्य वरुणस्य अग्नि आप्राद्यावाह पृथिवी अंतरिक्षेगम सूर्य आत्मा जगत स्थस्तु सश्चि स्वाहा। भद्रकुशो मातृशक्ति, और यहाँ अध्यात्म के नजरिए से कहें या धर्म के मामले से कहें या संबुद्धता के स्तर पर कहें, तो जो लोग इस प्रेम के प्रसाद के प्रापक हैं, वो भी बहुत विशुद्ध और चैतन्य आत्माओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। वो कई सारे जन इसमें मैं देखता हूँ कि वो मंच पर बैठने के अधिकारी हैं, बहुत सारी आत्माएं निर्मल हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में कार्य को कर रही हैं। और ये जो प्रकाश की बात कही, वो जो डूब गए अंधेरों के सागर में, जिनकी बात डाटा की बात पुस्तक बहुत अच्छे से अनुपम जी ने लिखा, वो इस प्रकाश की रिक्तता की वजह से डूबे। अंधकार का कोई अस्तित्व है नहीं, एक्चुअली अंधकार कुछ होता ही नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। प्रकाश को उपस्थित कर दीजिए, अंधकार जो है विलीन हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और प्रकाश के जो स्वरूप है वो ज्ञान है, चेतना है, चैतन्य है, जो अहम ब्रह्मास्मि की बात हमारे उपनिषद से वेदास से आती है, या बहुत सारे सूत्र हमारे, अब जैसे आपने कहा कि मैं आध्यात्मिक नहीं, मैं वो एक बिंदु था, जिस दुनिया में जिस भी व्यक्ति का नाम है वो आध्यात्मिक है, और जिसका नंबर है वो आध्यात्मिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो उसका नंबर होना चाहिए था, नाम तो रखा, नाम तो वो भी जो, अब देखिए वो कहते हैं कि इन्ना कर्म आकुम इंदा लायता ताकुम, कुरान मजीद में लिखते हैं वो सिपारा नंबर 3 और सूरत नंबर 8 में मंजिल 9, वो कहते हैं कि अगर नाम रखोगे तो ही ये परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, जो भी उनकी अपनी फिलोसफी है, उसको प्राप्त करने वाला होगा। इसमें एक और बड़ी मजे की बात है कि इत्तफाक ये है कि जिनसे हम बात करते हैं असल में उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बड़ी क्षमापूर्वक मैं ये बात निवेदित कर रहा हूँ, मतलब आप लोग तो अध्यात्म जानते ही हैं, आप तो धर्म जानते ही हैं, आप करुणा, वात्सल्य, प्रेम, मैत्री, सहयोग, सामंजस्य, सारी चीज़ों के गुणों से आप आपूरित हैं। इनके प्राथमिक बिंदु आपके जीवन के अंग अंग का हिस्सा हैं, आपके जीवन का एक अंग है। असल में जिन तक ये बात नहीं पहुँची, उन तक ये बात पहुँचाने की ज़रूरत है, और कभी कभी उसमें हम छूट जाते हैं। अतुल जी, मतलब अगर मैं कभी सोचता हूँ कि हम ऐसे लोगों के बीच इस चर्चा को करें कि जहाँ एक प्रकाश की एक नूतन किरण जा सके, और अनुपम जी ने इंग्लिश में लिखा, ठीक है, अंग्रेजी के विद्वान हैं, अच्छी बात की, लेकिन ये कभी कभी अंग्रेजी में, अब जब मैं फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, जर्मनी में मैंने वहाँ पढ़ाया, मुझे दुनिया में परमात्मा ने धकेल दिया, बाहर फेंक दिया, और मैं वहाँ लगभग मुझे 80% दुनिया को देखने का अवसर मिला, और लगभग इतना ही भारत को भी, और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो ऋग्वेद के मंडल हैं, जो गिरी जी ने इशारा किया, वो सब तो फ्रैंकफर्ट में रखा हुआ, हमारे पास 8 मंडल हैं बस, हमारे पास सिर्फ 8 मंडल हैं, 100 मंडल वो ले गए मैक्स मुलर अनुवाद के नाम पर कि हम अनुवाद करेंगे, और किया भी उन्होंने, और उसका प्रमाण ये है कि 17th सेंचुरी से पहले एक भी इन्वेंशन दुनिया में नहीं है। वाई
हमारे हाथी, हमारे विमान शब्द था तो विमान हमारे चलता था, हमारे वाहन शब्द है तो हमारे वाहन चलते थे, हमारे यहाँ बहुत कुछ शब्द हैं, जो शब्द ब्रह्म की बात हुई है, जो ओंकार जहां से बात होती है, और अभी तो परिभाषाएं ऐसी हो गई हैं कि जो चीजों को बदलती हैं, तो वहां उन्होंने उसको पढ़ा, जो हिग्स और बोगोस को 2011 में नोबेल मिला पार्टिकल्स ऑफ गॉड की खोज के लिए। तो हमारे यहाँ तो ईसा वास्यम विदम सर्वविद्यं चाम जगत ज्ञान जगत, ऋग्वेद का श्लोक है, अभी गिरिजी ने उसको उल्लेख किया कि परमात्मा इस कण, इस जग के कण कण में विद्यमान है। वो कहते हैं कि तो ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से लिखा हुआ था। मुश्किल ये हुई कि हर तरह के किसी विधान को, किसी निर्दिष्ट और विशिष्ट ज्ञान को प्रतिष्ठापित करने के कुछ आधान हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। हम उन स्टेप्स को हमेशा भूलते रहे, उन स्टेप्स से हमेशा पृथक रहे। वो स्टेप्स हमारे यहाँ अभी भी उससे पृथक हैं। हम हमारे आपको योग में PhD करनी है, अमेरिका में आज कर लीजिए, लंदन में आज कर लीजिए, फ्रैंकफर्ट में आज कर लीजिए, आप ऑक्सफोर्ड में आज कर लीजिए। हमने अपने यहाँ अध्यात्म विज्ञान का कोई संकाय, कोई विभाग अपने विश्वविद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटीज में कहीं नहीं रखा। और आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स लिखा हुआ अध्यात्म विज्ञान। वो कहते हैं कि विज्ञान तो अध्यात्म से निकला और हमें बताना पड़ रहा है कि अध्यात्म जो है वो हमारा, हम किस तरह से उसको जीवन में उतार सकते हैं, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो एक तो उन बच्चों को, उन युवा वर्ग को, चूंकि विश्व में सबसे ताजा और सबसे जवान देश है दुनिया में, हमारे जो डाटा की बात होती है और आपने अपनी पुस्तक में लिखा भी है, वो जो जवान चेतना है उस चेतना को संयोजित करने की जरूरत है, संतुलित करने की जरूरत है, उसे प्रबंधित करने की जरूरत है। पर बंधन की जरूरत नहीं है, प्रबंधन की जरूरत है। और स्वस्थ सोच से ही स्वस्थ जीवन का निर्माण होता है। ये अस्वस्थता की निशानी है जो आपने डाटा उसमें दिया कि लगभग प्रतिदिन एक व्यक्ति, अनुपम जी आपने एक व्यक्ति लगभग रोजाना दो व्यक्ति आत्महत्या प्रतिदिन करते हैं, 32 व्यक्ति प्रतिदिन, सोचिए। और दुनिया का और भी बड़ा आंकड़ा है। और चलो एक और अग्रेसिव ऐसे दूसरे भाव में देखें कि चलो यहां तो उसने राम नाम सत्य किया, निकल गया, अमेरिका की तो और भी बुरी हालत है, वो तो हर दूसरा आदमी पागलों जैसा बिहेव कर रहा, वो मोबाइल पकड़ के कहता है दिस इज माइन, मैंने कहा भैया ये मेरा है, बोलो आई एम सॉरी, वो अपने जेब में से उसने निकाला, बोले मेरे भी ऐसे ही जैसा है। ये बड़ी कॉमन आपको एक फीचर्स मिलेगा लोगों को, क्यों आपका सामान उठा के चलते हैं और आपको समझाना पड़ेगा कि ये आपका नहीं है। वो किसी से बात करने लगेंगे कि सी इज माई सिस्टर, सी इज माई डॉटर, उसे बताना पड़ता है कि तुम्हारी डॉटर कोई और है, बोलो अच्छा वो कहीं मैं सूरत मिल रही थी इससे। ये बड़ा बढ़ेगा अभी मोबाइल, जिसने मोबाइल का इन्वेंशन किया उसने इसको प्रायश्चित किया है कि लोगों की मेमोरी इस चीज़ में बड़ा फर्क आ रहा है, सोच तो एकदम खराब हो गई। और सोच, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अभी दिशा ही ठीक नहीं है तो किनारा मिलेगा कहां से? देखिए उपनिषद में आता है पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण को मिलाओ तो भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण में पूर्ण को निकालो तो भी पूर्ण रहता है। पूर्ण में ना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं, और जब तक जीवन पूर्ण नहीं है, उस अपूर्णता की जो प्यास है, जो उसकी तृष्णा है, जो उसकी अभीप्सा है, वो आपको हमेशा व्यक्त तृष्णा की तरह दौड़ाते रखती है। नेफे में कस्तूरी है लेकिन दौड़ता रहता है आदमी चारों तरफ, वो कबीर कह गए ना कि कस्तूरी कुंडल बसे। तो हम उसको, हमें तो समझना पड़ेगा। तो ये ऐसी कोई विद्या अध्यात्म के किसी जगत में नहीं होती, क्योंकि वो कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसा एक संग्रहालय बनना चाहिए जहां हमारे सारे महापुरुष, 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन बदल दिया है, 100 लोग ऐसे हैं जिनमें आपके आर्यभट्ट भी आ जाएंगे, रामानुजन भी आ जाएंगे, विश्वामित्र भी आ जाएंगे, आपके सारे हमारे ऋषि मुनि आ जाएंगे, उसका कोई संग्रहालय देश में नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटीज में इन पर रिसर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सामान्य लोगों को अध्यात्म वो समझते हैं कि पूजा पाठ, और पूजा पाठ को अध्यात्म, और इन दोनों को मिला के धर्म, और इन सबको मिला करके कोई पौंगा पंडित और कोई धक्यानुसी और अंधविश्वास और पुरातन आदमी, इस सबको जरा धोने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल मैं शायद ज्यादा बोल गया, और पर मैं ऐसा ही हूँ, तो कोई बात नहीं। आपने मेरी बातों को बड़े प्रेम और ध्यान से सुना, आपके आपके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम सस्ते। हम लोगों के बीच में
सईद अंसारी साहब मौजूद हैं, मैं अनुपम जी से कहूंगा कि सईद साहब का जो है एक बार शॉल उड़ा करके स्वागत करें। अब मैं अरविंद गुरु जी को बुलाता हूँ। हिंदी भाषा के नाते पहले तुलसीदास जी को नमन करके चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ, जिनको उनके बारे में पता है, उनकी माँ का भी शायद पता होगा, तुलसी जी। अगर तुलसी ना होते, अगर तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, अगर तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पे सुहाग की बिंदी नहीं जड़ी होती। तो माँ क्या थी, उनका चरित्र क्या था तुलसी जी का, कि बीसों बसंत देकर बदले में चौमास लिया, है धन्य सुहागिन हुआ जिसने भारत को तुलसीदास दिया, है धन्य सुहागिन हुआ जिसने भारत को तुलसीदास दिया। आप जैसों के लिए हैं जो समाधिष्ट हो जाते हैं, अभी आप जीवित हैं, समाधिष्ट के बाद उनकी क्षमताएं क्या होती हैं, कि चार युग की दूरी भी चार पल में नापी है, चार पल में नापी है, चार दिन खता की है, चार पल में माफी है, चार पल में माफी है, चार दिन के मेहमा हम जाते चार कांधों पे, चार दिन के मेहमा हम जाते चार कांधों पे, इसलिए इबादत के चार पल ही काफी है। अनुपम अपने नाम को परिभाषित करते हुए जीवन जीना सिखा रहे हैं, नुपुर की तरह हृदयों में बजते हुए, एक एक अक्षर आप जोड़ते रहना, मैं एक एक पढ़ रहा हूं, नुपुर की तरह हृदयों में बजते हुए आत्मबोध करा रहे हैं, परिवर्तनकारी ना ही चौगाधारी, परिवर्तनकारी ना ही चौगाधारी, आडंबर के विनाशकारी हैं, मर्मज्ञ कृतज्ञ आध्यात्मिक विज्ञान से ओत प्रोत ज्ञान में गीताधारी हैं। आपने गीता का भी ज्ञान लिया है चिन्मयानंद जी के यहां से, श्री चिन्मयानंद जी के दिव्य ज्ञान से वैदिक दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया, वास्तविक इनका श्रीवास्तव का वह आ गया है, वास्तविक हिंदू धर्म आत्मबोध आंतरिक शांति को हर स्तर पर सशक्त किया, स्वाध्याय को समझा फिर समझाया, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की अमृत धारा जारी है, तर्क संगत विचारों की चादर ओढ़ आत्मविश्वास को बढ़ाकर अंधविश्वास पर चोट मारी है। वह युवा जो पदभ्रष्ट और आत्मघाती प्रवृत्ति वालों के लिए पुस्तक एक दर्पण है, यातनाएं मानसिक शारीरिक हो या आर्थिक, उनके लिए अनुपम का यह समर्पण है, अनुपम का यह समर्पण है। दया करेंगे दया निधान, अगर उन पाठकों का मिले साथ तो हृदय परिवर्तन तय है। मेरी भी प्रार्थना है परमात्मा से कि पुस्तक विश्व प्रसिद्ध हो, क्योंकि ये पूर्णतः आत्मज्ञानमय है। अब मैं राहुल देव जी को बुलाना चाहता हूं। आप तो साक्षात्कार की थोड़ी सी एक बात कह रही, मैं माफ कीजिएगा, मैं कड़वी ही बातें कर सकता हूं, मैं आपको खुश करने वाली बातें नहीं कह सकता। यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन सब अपने मन में झांक के अपने से ये सवाल पूछे, क्या कितने लोग हैं जो कह सकते हो कि मैं ईश्वर को चाहता हूं, मुझे ईश्वर चाहिए? कितने लोगों को ईश्वर चाहिए? अशोक भैया, हमें तो सफलता चाहिए, हमें तो स्वास्थ्य चाहिए, जी, और हमें ईश्वर नहीं चाहिए, ईश्वर से चाहिए, सब कुछ चाहिए लेकिन ईश्वर नहीं चाहिए। ईश्वर को चाहने में छाती फटती है, ईश्वर को चाहने से बड़ी कोई चाह हो ही नहीं सकती। हमारे शास्त्री बताते कि करोड़ों जन्मों के बाद तो मुमुक्षा जगती है, जिज्ञासा जगती है, अथातो धर्म जिज्ञासा है, जिसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहता है शास्त्र,
वो क्या ऐसे ही मिल जाती है? तो परम दुर्लभ है। ईश्वर की चाह की एक बूंद भी अगर मिल जाए तो एक जीवन के लिए पर्याप्त है। हमें ईश्वर चाहिए कहां, कितनों को चाहिए? हमें ईश्वर से सब चाहिए, जैसा स्वामी जी ने कहा। तो ईश्वर इसलिए नहीं है कि वो हमारे हमारी ईएमआई भरे और हमारे घर भर दे, हमें अच्छी गाड़ियां दे दे, हमारे बच्चों की नौकरियां लगा दे, हमारी बीमारियों को ठीक कर दे। क्षमा कीजिएगा, ईश्वर है अगर तो ऐसा नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार एक बहुत, आजकल मैं नहीं जानता स्वामी जी, आप तीनों चार यहाँ पे बड़े 5 विद्वान लोग बैठे हैं और भी लोग हैं, एक बड़ा उपनिषद का श्लोक है लेकिन उसका एक अजीब अर्थ स्वामी ने विवेकानंद के नाम से पूरे देश में छप गया, कैलेंडरों में सब जगह छपा मिलता है और प्रचलित है। क्या है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधक, इसका क्या अर्थ है सबके दिमाग में? उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। मैं नहीं जानता ये अर्थ कहां से आ गया है। इसका, इस वाक्य का, इस श्लोक के अर्थ से कोई दूर दूर से संबंध ही नहीं है। दूर दूर इसका अर्थ है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधक, क्षुरस्य धारा दुषिता निहिता दुरत्यया, निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ पथ तत्कवयो वदंती। यानी उठो जागो और वरिष्ठों के पास, जो वरान हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे ज्ञान वृष्ठ हैं, उनके पास जाकर बोध प्राप्त करो। यह है पहली पंक्ति का अर्थ, उठो जागो और वरिष्ठों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। प्राप्य वरान निबोधक, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरे की धार की तरह ये जो दुर्गम पथ मार्ग तक कवयो वदंती, कवि कहते यानी ऋषि कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये छुरे की धार जैसा कठिन है, दुरत्य है, इसको सरल कहते हैं। पर उपनिषद बोल रहा है। तो मैं नहीं जानता कि आत्म साक्षात्कार के लिए कितने लोग सचमुच जिज्ञासु और उत्सुक हैं। जिज्ञासा ही दुर्लभ चीज है, एक सामान्य जिज्ञासा भी दुर्लभ चीज है, मुमुक्षा तो उससे कहीं बहुत आगे की चीज है। लेकिन जिसकी जरूरत सबको है, और सबको आत्म साक्षात की जरूरत है भी नहीं, मुझे लगता है सृष्टि वैसी बनी नहीं, ईश्वर ने सब मनुष्यों को ऐसा नहीं बनाया कि सबको एक साथ एक ही जन्म में एक ही काल में एक ही कालखंड में सबको सबको आत्म साक्षात्कार मिल जाए, सब ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाए, देवत्व को प्राप्त हो जाए और हमारा अद्वैत स्थापित हो जाए। सृष्टि शायद ऐसी बनी नहीं है, मनुष्य की प्रकृति भी ऐसी नहीं बनी, मिश्रित है, सब कुछ मिश्रित है, कर्म फल की तरह सब कुछ मिश्रित है। तो इस मिश्रित, हम सब भी बहुत मिश्रित है, हम सब में त्रिगुणात्मक तो सब कुछ हम जानते ही हैं, और गीता हमें बताती है कि आप पढ़ेंगे उसमें कि हम में सत्व भी है, तमस भी है, रजस भी है, और सब एक दूसरे क्रम से एक के ऊपर हावी होते रहते हैं। कभी तत्व हावी होता है तब हम प्रकाशित अपने को महसूस करते हैं, कभी रजस हावी होता है हमारे ऊपर तो हम कर्म संलग्न होना चाहते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तमस हावी होता है तुम प्रमाद में, निद्रा आलस्य प्रमाद मोह इन सब में पड़ जाते, और यह क्रम चलता रहता है। हम सब उस क्रम में फंसे हुए लोग, लेकिन हमको और हमसे ज्यादा आज हमारे बच्चों को जो चाहिए वो जो तकनीक है आत्म साक्षात्कार की बात आप बच्चों से हम करेंगे तो वो पहले ही भाग जाएंगे। अनुपम जी, मेरा निवेदन है उनको भगाना हो तो उनसे ईश्वर की बात करो। अभी ईश्वर को खोजना उनका काम भी नहीं है दरअसल, उनमें मुमुक्षा होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो ईश्वर अपने आप उनको राह दिखा देगा, बुला लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, हमारे आपके करने से नहीं होने वाला।
हम जो उनको दे सकते हैं हम उनको रास्ते बता सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि इसको जरा सा देख लो, इसको आजमा लो, थोड़ा सा ऐसे सोच के देख लो, थोड़ा सा ये पढ़ के जान के इस तरह से विचार करके देख लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। अंग्रेजी में एक अनुपम जी जानते होंगे, मेंटर हैं आप, तो नजिंग एक शब्द आया था, एक मैनेजमेंट थ्योरी आई थी कुछ साल पहले कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शनिस्ट तरीके से आप शिक्षक हैं अभी जानते हैं नहीं होता, आप किसी के ऊपर अचानक सब लाद दें और उसको पूरा गीता का ज्ञान दे दें, अद्वैत उसके ऊपर दे दें, वेदांत की वेदांत पढ़ो, कितने लोग पढ़ सकते हैं, हम ही लोग नहीं पढ़ सकते। गीता तो हर घर में होती है लेकिन ईमानदारी से यहाँ कितने लोग कह सकते हैं कि उन्होंने उसका एक अध्याय भी पूरा पढ़ा है। इन बच्चों को जो चाहिए उनको ये ज्ञान चाहिए, उनको ये उनको गीता चाहिए, लेकिन एक उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में, उनको भारी भारी शब्दों पर को उन पर मत ला दिए, वो गड़बड़ होगा, वो पचा नहीं पाएंगे। गीता पढ़ने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, अभ्यास चाहिए। मेरे मन में जो भाव आता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है कृतज्ञता का। हमें गर्व नहीं करने की जरूरत है कि हम भारतीय हैं, भारत में हैं या हिंदू हैं, हमें कृतज्ञ होना है कि हम भारतीय हैं, कि हमें ये तत्व ज्ञान मिला है। कृतज्ञता एक ज्यादा, मैं समझता हूँ, श्रेष्ठतर भाव है गर्व और गौरव के। तो अपने होने का एहसास तो जरूरी है, वही अहंकार है, दंभ नहीं, लेकिन उसको बचा के रखना, वो सीमा से बाहर ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो आत्म को जाने हमारे बच्चे, उसकी पूरी विधियां हमारे पास हैं, गीता तो देती है, हमारा योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र देता है, अष्टांग योग आजकल हमारे युवक भी जानने लगे हैं, ये विधियां हैं। उनको बिना बहुत सैद्धांतिक खुराक दिए व्यावहारिक काम अगर ये हम दे दें, थोड़ा सा प्राणायाम करना सिखा दें, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा ध्यान, सिर्फ इतना अगर हम दे सकें हम सब अपने बच्चों को, और उसमें हमारे आप गुरुओं से ज़्यादा सहायक और प्रेरक कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनको उनकी भाषा, उनके मुहावरे में, उनके स्तर पर उतर कर अगर आप बताएंगे तो उनको सच्चा लाभ होगा। ये भारत की चुनौती है, भारत के धर्मगुरुओं की चुनौती है, और यह हिंदुत्व की चुनौती है। आज के ज्ञान युग में और कृत्रिम मेधा के युग में, जो धर्म के सामने, जो धर्म सत्ता है उसके सामने एक नई तरह की चुनौतियां ज्ञान की और विज्ञान की आ रही हैं, उनके बारे में भी हमारे धर्म गुरु जिस दिन AI के बारे में बात करने लगेंगे, आप आएंगे कि युवा आपके पास दौड़ के चले आएंगे। देखिए, बहुत संतोष हुआ कि आपने बहुत सरल भाषा में इस तरीके से इस ज्ञान को, प्रज्ञा को लोगों तक, युवाओं तक पहुँचाने की कोशिश की है, जो उनको समझ में आए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे बचना संभव नहीं होता, तो वो तो ठीक है, पारिभाषिक शब्द हैं, अध्यात्म के भी और धर्म के भी वो रहेंगे ही, लेकिन उनकी व्याख्या और व्यावहारिक व्याख्या, उदाहरणों के साथ व्याख्या, इससे ही सब लाभ होता है, और ये इस पुस्तक में भरपूर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुपम जी को, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, और मैं आशा करता हूँ कि हिंदी में भी आएगी, तब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 30-35 साल पहले एक युवा अध्यात्म की खोज में, ईश्वर की खोज में अपने घर से निकल पड़ा हिमालय में। मतलब उन्होंने बहुत विचरण किया, जगह जगह ईश्वर की खोज की, और उस युवा को ईश्वर की प्राप्ति जो हुई वो सेवा में हुई। आशीष भैया, अब मैं आशीष भैया को बुलाऊंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। ये जो पुस्तक है हिंदुत्व द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, पूज्य महावतार बाबा जी के शिष्य लाडली महाशय जी, लाडली महाशय के शिष्य ब्रह्मन सर, तो युक्तेश्वर गिरी जी,
और युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य परमहंस योगानंद जी, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF और भारत में YSS नाम से दो आध्यात्मिक जगत के सेल्फ रियलाइजेशन के संगठन आरंभ किए थे। और महावतार बाबा जी के आदेश से युक्तेश्वर गिरी जी ने कैवल्य दर्शन होली साइंस एक किताब लिखी, जिसमें ईसाई क्रिश्चियनिटी में और जिस वैदिक उपनिषद आदि की चर्चा करनी है राहुल जी ने की, ऐसे दोनों के सूत्र निकाल के किताब लिखी होली साइंस नाम से अंग्रेजी में, तो हिंदी में कैवल्य दर्शन। और सेल्फ रियलाइज अगर व्यक्तित्व तो है, उसमें से लाखों लोगों में से एक आध कोई मंच पर बोल सकता है, सेल्फ रियलाइज करके बोल नहीं सकता। करोड़ों में से एक आध कोई लेखनी उठा करके लिख सकता है, लोग लिख नहीं सकते। लेकिन इस गहरी और गंभीर बात को, चूंकि देखो अभी सनातन धर्म की बात हो रही थी, इस सनातन धर्म किसी किताब से नहीं निकला, ये गहन हिमालय, गंगा किनारे, समुद्र किनारे, जंगल, पहाड़, गुफाओं में बैठ कर के एक शब्द आता है ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्र दृष्टा थे, इस मंत्र को इस अवस्था में, इस व्यवस्था में, इस समय पर, इस परिस्थिति पर, इस समय इतने बार इस आसन पर बैठ करके आवर्तन करने से प्रकृति में, पर्यावरण में, समग्र जीव सृष्टि में इसका परिणाम ये आएगा, लिख कर गए। और यही साइंस है हिंदुत्व का, जो लिख कर गए। और इसलिए विदेशी राइटर का इस पर महात्म्य कहते हैं कि देखो भारत की भूमि पर ईश्वर द्वारा और इंसान द्वारा जो भी हो सकता था किया जा चुका है, अरुण राहुल जी के शब्दों में, उसको सम्मूल स्वरूप को जानने समझने की जरूरत है। और इसलिए जो गहरी बात कही कि आपको साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, लेखक, पत्रकार, संत, अपने से वरिष्ठ जनों के चरणों में बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा हमारी सबकी है कि हम, यदि हमको ये दिखाई देने लगे कि ये सभी सभी समान हैं, समत्व है, और इसी समत्व के सूत्रों पर चलना, उसको जानना, मानना, उसकी सतत साधना करना, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सतत साधना करना, शाश्वत साधना करना, और इस आत्महत्या की जो बार बार बात आ रही, उसके लिए हमको उदाहरण खुद अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपने बेटा बेटी के सामने, अपने नौजवानों के सामने, कि आपके पास नौजवान बैठे, आप आलोचना कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, निंदा करेंगे उसके खान पान पर, रहन सहन पर, उसके पहनावे पर, या उसकी सोच पर, उसके जीवन शैली पर। अब हम तो 5 बजे जगते, तुम 8 बजे क्यों जगे? नहीं भैया, उसके इस, वो आपके पास आए और आपके जीवन को, चरित्र को देख करके अपना समाधान खोजने लगे, उसके पास बैठने का, उसको आपके पास बैठने का अभ्यास होने लगे। और हम लोग चूंकि इतना दिख कह रहे हैं बात, हम लोगों ने हजारों नौजवान, कहां कुष्ठ रोगियों की सेवा, कहां पॉलीथिन की झुग्गी, एक नहीं, दो नहीं, 100-200, कई हजार नौजवान हम लोगों ने उस काम से जोड़ा है।
और मैं गारंटी से कहता हूँ, लिख करके दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों से जुड़ा केंद्र में आने वाला आज तक 28 साल में कोई आत्महत्या नहीं किया, न कभी करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणा का स्थान हम सबको खड़ा करना पड़ेगा, हम सभी प्रेरणा पुंज बने। बस इसी निवेदन के साथ और आदरणीय अनुपम जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से सोचते रहें, लिखते रहें, देश और दुनिया का मार्गदर्शन और करते रहें। और राहुल जी के विचार से मैं संबद्ध करता हूं कि यदि इसको और हिंदी में प्रकाशित हो तो हम सबके काम आएगी। अतुल जी आपके प्रति आभार, आपने बुलाया, आपने धैर्य पूर्वक 2-2.5 घंटे में हम सबको सुना। आपको प्रणाम करता हुआ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। मैं अनुपम जी से प्रार्थना करूंगा। हमारे बीच एक और विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, श्री विजय वर्मा जी। आप डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हुए हैं, फॉर्मल जुडिशियल मेंबर भी रहे हैं स्टेट कंज्यूमर कमीशन के, और आप जो है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी थे सीबीआई के, जो अयोध्या का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था उस पर लेकर के जब वो चल रही थी पूरी वार्ता जो चल रही थी। अनुपम जी आप स्वागत करिए। और अपनी प्रेरणा के बारे में हमको भी प्रेरित करें। सेल्फ रियलाइजेशन, सभी लोगों ने बात करी मेरी पुस्तक भी इसी बारे में। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे ऐसी आशा है कि छोटी सी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ रिलेशन होता क्या है। ऐसी आशा है, ऐसा होना निभा में ना हो तो अपने आप को दोषी ना माने। एक भिखारी कई वर्षों से एक सोने की खान के बगल में बैठा करता था। लोग जानते थे, उसको देखते थे, आते जाते माइनर्स जो थे, यानी जो खान में काम करने वाले लोग थे, उसको खाना पैसा दिया करते थे, यानी बस हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वही सब सिलसिला चल रहा था कई वर्षों से। एक दिन लोगों ने देखा कि काली रंग की बहुत सारी कारें, 4-5-6 कारें वहां पे आई, और उसमें से सूट बूट पहने मर्द लोग उतरे और गहनों से लदी हुई औरतें, और वो भिखारी की ओर गईं। उन्होंने उसको उठाया, कार में डाला और पूरा काफिला चला गया। उस सब लोग ये देखते रहे, ये हुआ क्या, ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्यों ले गए इसे। अब वो काफिला एक पोर्च के नीचे रुका, एक मेंशन था, बहुत बड़ा घर, ऑलमोस्ट जिसे कह सकते हैं महल टाइप का घर। वहां से कुछ औरतें नीचे उतरी, थाली का, आरती की थाली, और जैसी भिखारी बाहर निकला कार से, सबने उसकी आरती करी और बड़े आदर सहित उसको ले गए। हम वहां उसको नहाया धुलाया, साफ सुथरे नए कपड़े दिए, भोजन कराया। और जब ये सब चल रहा था, वो भिखारी बहुत अनकंफर्टेबल था, कहता मुझको वापस लेके जाओ, मुझको यहाँ नहीं लेना, कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो, सब चल रहा है। तो उसको समझाया कि आप बैठिए, आपका कमरा है, आप आराम कीजिए, कल आपको डॉक्टर ऑक्टर बुलाएगा कि डॉक्टर आएंगे, उनका इलाज विलाज किया। सब चलता रहा, 2-4 महीने गुजर गए। दैट फेलो, दैट भिखारी वॉज स्टिल वेरी अनकंफर्टेबल एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव इन दैट हाउस। तो ये सब चल रहा था। सुबह सुबह सब लोग नाश्ते में बैठे थे, 2-3 महीने बाद उस भिखारी के कमरे से अचानक आवाज आई, एनी कॉल द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस। जैसे ये शब्द उनके कान में पड़े, परिवार में त्यौहार का माहौल हो गया। सब लोग उसके कमरे की तरफ दौड़े, और जब सब लोग उसके सामने पहुंचे, उसने एक एक करके सबको पहचानना शुरू किया। उसने कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, मेरी पोती है। एंड देयर वाज अ फेस्टिविटी।
दैट मैन गॉट हिज मेमोरी बैक. ही रियलाइज्ड ही वॉज द ओनर ऑफ द हाउस. नॉट ओनली ओनर ऑफ द हाउस, ही वॉज द ओनर ऑफ द गोल्ड माइन where he was begging. So all of us are that gold mine owners, but begging. Subah leke shaam tak, we are begging. I want you to be happy when I started there, isn't it? When I started the journey in primary school, I was told you will be happy if you earn money. But how many who have money are happy? Ask the question. But eventually, so all of you will be fooled by education system. One more thing about education system: count all the doctors, count all the engineers, all the computer scientists and everything, all the successful people who make money, all young people who are making money, put all of them together, you will find they're not even 1% of the entire youth population of the country. पूरा देश का जितना भी बजट है 1% से कम के लोगों को सफल बनाने में लगा हुआ है. सफल मतलब making money. No one has the capacity to understand what Upanishad says. Nobody has the capacity to understand what Gita says because we don't have the passport into it. And what is passport into Gita? Sanskrit. Very few people know it. So if I don't know how to read it, all I have to do is I need to satisfy myself with other people's explanation as to what Gita is talking about. You can never have direct access to it. So this is the kind of things I'm writing, and I want to thank you all these senior and renowned people who have come here to bless me, and I thank you all of you who have come and given your time, and thank you very much. अब मैं विजय वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, दो शब्द बोलें. हमें आवश्यकता यह है कि हम धर्म के रास्ते पर चलें. रास्ता दिखाएगा कौन? रास्ता कौन समझाएगा? ये दूसरा समझाने के लिए दूसरा ही व्यक्ति आएगा, और वो हिंदुइज्म की पे जो बुक लिखी गई है, इसको मैंने देखा, सरसरी नजर से देखा, भी पूरी तरह से ठीक से नहीं देख पाया हूँ. लेकिन इन्होंने जो डील किया है अनुपम जी ने, बहुत ही अपना उनका अनोखा, उनका एक स्टाइल है. किस तरह से मेडिटेशन, किस तरह से योग, किस तरह डिसिपेशन, किस तरह से डिस्कोर्स, किस तरह से मोटिवेशनल एनेक्डोट्स, उनके बेसिस पे आप किस तरह से चेंज ला सकते हैं अपने में, स्वयं में, और कैसे ला सकते हैं? एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं. रामचंद्र जी के यहाँ सीता जी को देखने के लिए सब इकट्ठा हो रहे थे वहां पे, और सेना और समुद्र था, कौन जाए पार. अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, लौटने के बारे में मेरा थोड़ा डाउटफुल है. अब मुस्कुरा रहे हैं हमारे विद्वान. तो उस समय जामवंत जो थे, जो जब से सबसे बूढ़े थे, उन्होंने कहा था, कहा चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तले वन बल पवन समाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, कवन सुज काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए ता तुम पाई, राम काज लगि तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा. हनुमान जी पूरा शरीर उनका, ये क्या है? ही इज ट्राइंग टू रियलाइज द रियल पोटेंशियल ऑफ दैट मैन. उनमें पोटेंशियल थी, बट ही वॉज नॉट नोइंग इट. जैसा मैम अनुपम जी ने कहा, सब में वो पोटेंशियल है. हाउ टू रियली इन्वोक दैट थिंग इज समथिंग विच कैन बी लर्न थ्रू दिस बुक. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक से, मेरे ख्याल से, अनुपम जी ने हिंदू रनेसा में जो शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में ऑब्वियस है टू ऑल द पीपल हु आर सिटिंग राइट हियर, हिंदू रनेसा की शुरुआत हो चुकी है,
ऐसा धर्म जिसके बारे में हमें ही अपना डाउट होने लगा था कि यह धर्म पता नहीं सही है भी कि नहीं है और क्यों है और सब इसमें कमियां ही कमियां हैं, सब कमियां ही कमियां हैं इसमें में, उसका रिजरेक्शन हो चुका है। ये किताब जो है उसको एक आयाम आगे बढ़ाती है और मैं इसमें मानता हूं कि जैसा हमारे कई विद्वान राहुल जी ने भी कहा कि इसको अगर हिंदी में हो जाए, मैं भी पर सोचा था इंग्लिश में, फिर मुझे ध्यान आया नहीं ये तो ग्लोबल लेवल की बुक पर्पस से लिखी गई है, हिंदूज आर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन दैट दे शुड बी एबल टू रियली रीड इट इन व्हाटएवर लैंग्वेज व्हाटएवर कंट्री दे आर लिविंग इन, चाहे साउथ में हो तो तमिल के हो, चाहे सब अंग्रेजी जानते हैं अधिकतर, पढ़ सकते हैं इससे, पर ये मेरा विश्वास है हिंदी भी आएगी। If English has come, then can Hindi be forgiving? Sir, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबका हृदय से आभार, आप सब आए बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज बहुत दिनों बाद स्पीकर हॉल को बुद्धिजीवी वर्ग के संबंधित वर्ग के लोगों से भरा हुआ देखा। सामान्यतः यहाँ और भी फंक्शन होते हैं हॉल भर जाता है, लेकिन जब कभी ज्ञान या लोकार्पण किताब की बात होती है सामान्यतः ये इतना ही भरा होता है जितना कि आज भरा हुआ है, इसलिए मैं आपका भी हृदय से आभार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।